नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। वोटर आईडी कार्ड किसी भी व्यक्ति की पहचान का अहम माध्यम होता है। इसका प्रयोग केवल चुनाव में वोटिंग के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य जरूरी कामों और सरकारी दस्तावेजों में भी किया जाता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अक्सर वोटर आईडी कार्ड को गुमा देते हैं। अगर चुनावी समय नहीं है तो लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। हालांकि वोटर आईडी कार्ड की जरूरत कई दूसरे कामों में पहचान पत्र के तौर पर भी होती है। ऐसे में उस वक्त आप कार्ड के लिए परेशान हो जाते हैं। आपका भी कार्ड अगर खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आज के वीडियो में आपको खुद से वोटर आईडी डाउनलोड करने का तरीका बताने वाले हैं। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद से वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का ही वोटर आईडी बनता है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी कार्ड नहीं आया है तब भी आप खुद से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको ऑनलाइन वोटर आईडी डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। आईडी को ऑनलाइन डाउनलोड करने से पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट nvsp.in पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। यहां आकर आपको वोटर पोर्टल पर क्लिक करना होगा। यहां आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। ऑलरेडी अकाउंट नहीं होने पर आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या जीमेल के अकाउंट के जरिए साइन इन कर सकते हैं। एग्री करने के बाद अगले पेज पर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पर क्लिक करना होगा, जिसका मतलब होता है कि आप अपने पुराने आईडी को ही रिप्रिंट कर रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर पूछे गए अपना सारा डिटेल्स जैसे कि नाम, पता, स्टेट, विधानसभा आदि भर दें और सबमिट कर दें। आपका प्रोफाइल बनने के बाद एक बार फिर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पर क्लिक करें। नीचे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करके आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास वोटर आईडी नंबर है या नहीं, तो आप यस पर क्लिक कर दें। बताते चले कि खुद से डाउनलोड करने के लिए आपको अपना आईडी नंबर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसी वेबसाइट को खोलकर डाउनलोड इलेक्ट्रॉल रोल ऑप्शन पर क्लिक करके अपना राज्य चुनकर, अपना विधानसभा क्षेत्र चुनकर और पोलिंग स्टेशन चुनकर सर्च कर सकते हैं। वहां लिस्ट में अपना नाम डालकर और अपना एनरोलमेंट नंबर पता कर सकते हैं। जब आपको अपना आईडी नंबर पता चल जाए तो वापस पुराने पेज पर आकर वहां नीचे दिए बॉक्स में आईडी नंबर डाल दे। अब आपको फेच डिटेल्स पर क्लिक कर प्रोसीड करना होगा। अब सामने पेज पर आपका रिकॉर्ड खुल जाएगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, विधानसभा क्षेत्र आदि दिखने लगेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू करें। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और ओटीपी मिलने के बाद आप ओटीपी डाल दें और वेरीफाई कर लें। उसके बाद पेज पर आपको वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट का कारण पूछा जाएगा। आप कोई भी कारण बता दें जैसे कि कार्ड खो गया। कारण डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अगला पेज खुलेगा। इसमें आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप या तो खुद से CSC जाकर आईडी को कलेक्ट कर लें या फिर पोस्ट के जरिए घर पर ही कार्ड को मंगा लें या फिर BLO से अपने कार्ड को प्राप्त कर लें। अगर आपको घर बैठे आईडी चाहिए तो आप पोस्टल सर्विस वाला ऑप्शन चुनें। इसके जरिए आपको मात्र ₹30 चार्ज लगेंगे लेकिन घर बैठे वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अब सेव एंड कंटिन्यू कर ले। अगले पेज में आपके अप्लाई की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद आप सबमिट कर ले। अब आपको आपका वोटर आईडी कार्ड घर बैठे ही मिल जाएगा। अगले पेज में रेफरेंस नंबर भी दिया रहता है जिसकी मदद से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका कार्ड कहां तक पहुंचा है। तो इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने पुराने आईडी कार्ड खोने पर नए आईडी के लिए खुद से प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।